हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी वी फैशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूजफुल टिप्स बताने वाली हूँ नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आप जब भी नेक बनाओ तो उसके लिए आप फ्यूज पेपर को कपड़े पे चिपका लीजिए और फिर नेक की लंबाई चौड़ाई का निशान लगा लीजिए जितनी भी आपको लेनी है। जिस शेप में भी आपको नेक बनाना है उस शेप में आपको मार्क कर लेना है और फिर उसकी कटिंग कर लेनी है। बुकरम वाले नेक से ज़्यादा अच्छा होता है फ्यूज पेपर वाला नेक, क्योंकि इसमें होता है धुलने के बाद ही सुखड़ता नहीं है और बिल्कुल अच्छे से रहता, टाइट सा भी नहीं होता। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेके हमने नेक को कट कर लिया है और ये जो नेक हमने बनाया है इसकी जो हमने शेप डाली है 1 इंच पर डाली है। आप जो भी जैसा भी नेक बना रहे हो, बस मैं नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग का तरीका बता रही हूँ, शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ से थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करेंगे 1/2 इंच के करीब और यहाँ से सिलाई लगा के पूरे नेक को रेडी कर लेंगे। ये फ्यूज पेपर है इसलिए मैंने ऐसे ही फोल्ड कर लिया है। अगर आप बुकरम का नेक बनाते हो तो उसमें सिंपल कपड़े को फोल्ड करना होता है बुकरम के ऊपर, ये बिल्कुल पतला होता है इसलिए डबल फोल्ड हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक को रखेंगे और उसके ऊपर इस वाले नेक को रख लेंगे फ्यूज पेपर वाले को। या तो आप यहाँ से पिन से सेट कर लीजिए या फिर ऐसे लंबी एक सिलाई लगा लीजिए। फिर नेक को शेप के हिसाब से मिला के रखेंगे दोनों कपड़ों को और बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। 1 फुट का मार्जिन लेते हुए ये सिलाई हम लगा लेंगे। जिस भी शेप में आपका नेक है उसी शेप में ये सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। नेक में फ्यूज पेपर लगाने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है, जब हम कुर्ती को धुलते हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होता, बुकरम वाला नेक टाइट टाइट सा हो जाता है। अब जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको हम यहाँ से एक धागे को पकड़ के ही खींच लेंगे, निकल जाएगी आसानी से। अब बीच में और साइडों में छोटे छोटे कट लगा देने हैं। यहाँ पर आपको याद रखना सिलाई को बिल्कुल बचा के रखना है और अब इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमारा ये नेक हो गया है रेडी। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे, तो बैक नेक की कटिंग भी हम इस तरीके से ही कर लेंगे। बैक नेक में रखूँगी यहाँ पे राउंड में, तो ये देखिए जैसे हमने पहले कपड़ा रखा था फ्यूज पेपर पे चिपका के वैसे ही यहाँ पर रख लिया है। ऊपर से हमने 3 इंच ले लिया है। लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए जितनी भी आपको लेनी हो। मैंने लिया है यहाँ पर 7 इंच और नीचे से भी हम 7 इंच पहले ऐसे लंबा निशान लगा लेंगे, उसके बाद इसकी चौड़ाई लेंगे नीचे से। अगर आपको नीचे से 3 इंच रखना है तो आप 3 इंच भी रख सकते हो, लेकिन जब आप यहाँ पे 3.5 इंच लोगे तो और ज़्यादा अच्छी शेप आएगी बैक नेक की। अगर डीप बना रहे हो तो 3.5 लीजिए, अगर छोटा बना रहे हो तो बेशक 3 ले लीजिए। जैसे आप 7 इंच तक भी बना रहे हो तो उसमें 3 इंच लीजिए, उससे और ज़्यादा अच्छी शेप आएगी। अब इसकी यहाँ से कटिंग करके और 1.5 इंच का मार्जिन लेके नेक को कट कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट नेक को रेडी किया था वैसे इसको रेडी करेंगे और रेडी करने के बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे पूरे नेक के ऊपर और फिर इसको यहाँ से ओपन करके रखेंगे। अब इसी के ऊपर हम फ्रंट साइड को रख लेंगे ओपन करके सेम ऐसे ही। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड को भी ले लिया है और इसको भी ऐसे ही ओपन कर लिया है। जो इसमें फ्यूज पेपर वाला ये नेक है इसको ओपन कर लिया है दोनों साइडों में और जो इसकी सिलाई है उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, दोनों सिलाइयों को बिल्कुल मिला के रखना है। तो ये देखिए दोनों सिलाई इस तरीके से मिली होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर आपने पहले शोल्डर को डाउन नहीं किया है तो यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा लीजिए। जैसे कि इस कुर्ती में मैंने शोल्डर को सीधा कट कर लिया है, 1 इंच को वहाँ पर निशान लगाया, 1/2 इंच पर यहाँ पर और इस तरीके से हल्का सा तिरछा लेते हुए मिला देंगे। अगर आप शोल्डर को पहले ही डाउन कर रहे हो तो नॉर्मल सीधी सिलाई लग जाएगी 1/2 इंच की, और पहले डाउन नहीं किया है तो नेक में इस चीज़ का आपको याद जरूर रखना है, यहाँ से शोल्डर को 1/2 इंच डाउन रखना है। इससे क्या होगा, आपके कंधे नहीं गिरेंगे, कुर्ती कंधे से उतरेगी नहीं बार बार, बिल्कुल एकदम फिट रहेगी। अब जो हमने 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था उसको यहाँ से कट कर लेंगे। ये सभी नेक में आपको याद रखना है, 1/2 इंच का यहाँ पर डाउन जरूर देना होता है कुर्ती में। नेक की कटिंग करते टाइम, शोल्डर की कटिंग करते टाइम दे लीजिए या फिर बाद में ऐसे सिलाई लगाते टाइम दे लीजिए। अब दूसरी साइड को भी रेडी कर लेंगे और दूसरी साइड को रेडी करने के बाद इस कपड़े को भी यहाँ से हमने कट कर लिया है। नेक हमारा रेडी हो गया है, अब इस पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल नेक लाइन के ऊपर और वो सिलाई हमें लगानी है उल्टी साइड से। तो इस तरीके से कपड़े को रखना है और उल्टी साइड की तरफ पट्टी को फोल्ड करते हुए तब लगानी है। आप इसको सीधी साइड से लगाओगे तो इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं लगेगी, हमेशा याद रखना उल्टी साइड से इस सिलाई को लगाना है, क्योंकि यहाँ से पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाती है अच्छे से, सीधी साइड से उतनी अच्छे से फोल्ड नहीं होती है। अब बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है, अंदर की साइड बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल किनारे किनारे से फिनिशिंग के साथ इस सिलाई को लगा के दोनों साइड से नेक को रेडी कर लेंगे।
अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए यह वीडियो 100% यूजफुल है, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए जो हमारा ये वाला कपड़ा बचता है ना कंधे वाला, इसको हमें बैक साइड में फ़ोल्ड करना है, फ्रंट साइड में कभी भी फोल्ड नहीं करना है, हमेशा बैक साइड में ही फोल्ड करना है, दोनों साइड से याद रखना है इस चीज़ का। तो चलिए यहाँ से हम दूसरी साइड से भी बैक साइड में इसे फोल्ड करके कंप्लीट कर लेते हैं। नेक हमारा हो गया है फुल कंप्लीट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कट वर्क वाली बाजू, उसके लिए मुझे कमेंट आया था, मैंने एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें मैंने कट वर्क वाली बाजू पहनी हुई थी, तो फिर मैंने दोबारा से वही डिज़ाइन बनाया है और बिल्कुल आसान तरीके से बताया है इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अभी हम स्लीव्स का डिज़ाइन भी बनाएंगे। स्लीव्स की लंबाई ली है मैंने 12.5 इंच और एक कपड़ा लिया है उसके ऊपर फ्यूज पेपर को चिपका लिया है इस तरीके से। फ्यूज पेपर की चौड़ाई रखी है 2 इंच, नीचे से एक लाइन ड्रॉ की है हमने 1/2 इंच पर, और फिर दूसरी वाली की है 1 इंच पर। फिर हमने एक सर्कल वाली कोई भी चीज़ ले लेनी है, जैसे कि मैंने ये ले लिया है थ्रेड, इसी से हम शेप बना लेंगे। तो इस तरीके से रखते जाना है और बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और इस तरीके से शेप बना लेंगे। तो ये हाफ सर्कल में हमारी शेप बन के रेडी हो जाएगी। अब इसकी हमें स्टिचिंग करनी है। तो जो ऊपर से मार्जिन वाला कपड़ा है उसको हमने फ्यूज पेपर के ऊपर फोल्ड कर लिया है, और अब यहाँ से सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे बीच से, और फिर जो हमने पेन से ये शेप डाली हुई है इसके बिल्कुल ऊपर हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल पेन के निशान के ऊपर सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। इस तरीके से जब आप सिलाई लगाओगे तो आपका जो नीचे से शेप होगा बाजू का वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा और इक्वल बनेगा, बहुत ही सुंदर शेप आएगी। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ऐसी नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी डिजाइन वाली वीडियो देखनी है या उसका वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकती हो, रजनी वी फैशन के नाम से मेरी इंस्टा पे आईडी है, आप मुझे वहाँ पे DM करके बताइए और पिक भेज दीजिए जो भी आपको डिजाइन बनवानी हो, मैं उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे हमने ये पूरा डिजाइन क्रिएट कर लिया है, अब इसकी कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे नीचे से, और फिर उसके बाद बीच बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे, जहाँ पे भी हमारी ये शेप बनी हुई है इनके बिल्कुल बीच बीच में छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब बाजू को हम सीधा करेंगे, जो ये नीचे साइड शेप है इनको इस तरीके से पलटते हुए सीधा करने के बाद एक बार इन्हें प्रेस से सेट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप सिलाई लगाना चाहते हो किनारे से नीचे से तो सिलाई लगा लीजिए, और ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी सिलाई, बिल्कुल किनारे से लेके सिलाई लगानी है। इस सिलाई के साथ आप गोटा पत्ती वाला वर्क भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे जिस वीडियो को देख के कॉमेंट आई थी उस वीडियो में मैंने गोटा पत्ती वाला वर्क भी किया हुआ है कट वर्क के ऊपर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए किस तरीके से बनाई है। तो यहाँ पे हमारी फुल कुर्ती हो गई है रेडी, ये देखिए स्लीव्स, और नेक भी देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नेक हमारा रेडी हो गया है। और बैक नेक की शेप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है बैक नेक, अगर आप 3.5 इंच लेते हो ना नीचे से तो बैक नेक की शेप बहुत अच्छी आती है बिल्कुल। फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।